नमस्कार, देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से बात बिल्किस बानो की। कल भी हमने इसी मसले पर बात की थी, लेकिन हर दिन जिस तरीके से नए नए रहस्य उद्घाटन हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि इस मामले में बहुत सारी पेचीदगियों के साथ साथ बहुत सारी उदासीनता भी बरती गई है। और क्या सब कुछ जानबूझ कर किया गया है? क्या ऐसे लोग जो पैरोल पर छूटे हुए थे, क्या उन्होंने महिलाओं को धमकाने और मोलेस्टेशन करने का छेड़खानी जैसे काम किए? ये तमाम बड़े सवाल अब सामने आ रहे हैं। और ये भी सामने आ रहा है कि कितनी सारी पैरोल इन लोगों को मिली है पिछले 14 साल में। 1000 दिन से ज्यादा के भी रिकॉर्ड बनाए इनमें से कुछ लोगों ने। देखिए रिपोर्ट। 2002 में बिल्किस बानो ने अपनी 6 साल की बच्ची सहित अपने परिवार के 14 लोगों का कत्ल देखा। उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। 15 अगस्त 2022 को इस जघन्य मामले के 11 मुजरिम रिहा कर दिए गए। अच्छे चाल चलन के आधार पर केंद्र सरकार के मंत्री इस फैसले को सही ठहराते हैं। प्रहलाद जी, बट वन इशू हैज कम अप जस्ट नाउ दैट इट इज टर्नड आउट दैट इट वाज द सेंटर दैट इज व्हिच ऑपोजिशन हैज रेज्ड दैट द सेंटर आल्सो क्लियर्ड द रिलीज ऑफ दीस बिल्किस रेपिस इन द यू नो इन द केस दैट जस्ट केम आउट। सो हाउ वुड यू डिफेंड दैट? होम मिनिस्ट्री पर्सनली क्लियर्ड इट? No, that is, see, after when having being in prison for some time, there is a provision for that. Accordingly, as per the law, it is done. And there are some jurists in that. It is not that self government alone has taken decision. But do you feel, you personally feel it was okay that they were released? When the government and the concerned people have taken decision, I don't want to make any comment on that. And I don't find anything wrong in that because it is done as per the process of the law. मगर एनडीटीवी को मिले दस्तावेज बताते हैं कि इन 11 लोगों को लगातार पेरोल और बेल के जरिए बाहर आने का मौका मिलता रहा और इस दौरान इनमें से कई लोगों ने कानून तोड़े। 2017 से 2021 के बीच कम से कम 4 गवाहों ने 4 मुजरिमों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि वे धमकी दे रहे हैं। एनडीटीवी के पास 1 FIR और 2 पुलिस शिकायतें हैं। 6 जुलाई 2020 को राधेश्याम शाह और मितेश भाई भट्ट के खिलाफ 1 FIR दर्ज कराई गई। दाहोद के राधिकापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज इस FIR के मुताबिक इन दोनों ने और इनके एक भाई ने गवाहों को डराया धमकाया। 1 जनवरी 2021 को एक अन्य गवाह मंसूरी अब्दुल रजाक माजिद ने दाहोद में शैलेश चिमनलाल भट्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने पेरोल पर रहते हुए उन्हें धमकी दी है। शिकायत में ये भी बताया गया है कि लोकसभा सांसद और मंत्री रहे जसवंत सिंह भभौर ने एक आरोपी शैलेश चिमनलाल भट्ट को मंच पर बुलाकर अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित किया। 28 जुलाई 2017 को 2 अन्य गवाहों ने मुजरिम गोविंद नाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कहा कि उन पर समझौता करने का दबाव डाला जा रहा है, वरना उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। यही नहीं, पेरोल पर रहते हुए मितेश चमनलाल भट्ट पर यौन हमले का भी आरोप लग चुका है। इन तथ्यों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने ट्वीट कर इसकी खबर ली। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी ऐसे लोगों को बचाया करती है। ये सर्वविदित सत्य है कि जो बलात्कारी हैं उनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अलग अलग राज्यों में इसके आपको साक्ष्य मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बिल्किस बानो का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और वहां से उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि सारे तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ रहे हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि इन 11 मुजरिमों की रिहाई में केंद्र सरकार की अहम भूमिका रही। राज्य सरकार की ओर से राय मांगने के 15 दिन के भीतर इन्हें रिहा कर दिया गया। अब इस सवाल पर बीजेपी और केंद्र सरकार घिर सकती है कि आखिर ये कैसा अच्छा चाल चलन था और किस बात की जल्दी थी कि केंद्र सरकार ने बेहद जघन्य अपराध के इन दोषियों को छोड़ने की सिफारिश की। बिल्किस बानो का मामला इंसाफ की एक बड़ी कसौटी है। इसमें जरा भी ढिलाई या गलत बयानी पूरे इंसाफ को कटघरे में खड़ा कर देती है। अब जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके बाद देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि बिल्किस बानो मामले में आगे क्या होता है। दिल्ली से आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल शुक्ला जी वारसी जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, जगमती सांगवान हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और अजय उमर जी हैं, ग्रुप एडिटर अहमदाबाद मिरर के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला अनिल शुक्ला जी, आपसे सवाल, बलात्कार के दोषियों को, बलात्कारियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? दी थी उम्र कैद, इसके बाद 15 साल से ऊपर उन्होंने सजा काटी भी, अब रिमिशन का उन्होंने क्षमा याचना के लिए एप्लीकेशन दिया, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आप इस पे डिसीजन लीजिए। सरकार ने एक कमेटी बनाई डीएम के नेतृत्व में, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया, सेंटर में भेजा। इसके बाद जो एक सामूहिक फैसला हुआ उसके हिसाब से उनको रिलीज कर दिया गया, और ये जो कुछ भी हुआ है सब कानून के दायरे में हुआ है। अब समस्या इस बात की है कि जो विरोधी पार्टी है, ठीक है, उनको तो किसी पे विश्वास नहीं है, वो तो कानून के जो है उस पे विश्वास नहीं है। नहीं, छोड़ दीजिए, अगर जो है क्या नाम छोड़ दीजिए, अभी कोई हम लोग आज विरोधी पार्टी को नहीं, अरे अनिल शुक्ला जी अपन विरोधियों को छोड़ देते हैं, अभी तो हम सिर्फ इंसाफ की बात करते हैं। महिलाओं, आप लोगों की पार्टी वो पार्टी है जो पार्टी कहती है कि बलात्कारियों को मृत्युदंड मिलना चाहिए, हालांकि बहुत सारे लोग इससे हमारा कहने मतलब महिलाओं की सुरक्षा को भी खतरा होता है। लेकिन बात समझ रहा हूं। नहीं, लेकिन आप लोग ये कैसे इंसाफ आप लोग सोचते हैं कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि मृत्युदंड मिलना चाहिए, दूसरी तरफ जो आरोप दोषी हैं वो खुले में घूम रहे हैं, वो छेड़खानी कर रहे हैं, उनके ऊपर यौन शोषण के इल्जाम लग रहे हैं, उनके ऊपर छेड़खानी का इल्जाम, उनके ऊपर गवाहों को धमकाने का इल्जाम। तो ये आपकी जो गुजरात की सरकार है वो आंख मूंद के काम करती है क्या? नहीं, एक ही जो है, अगर कोई क्राइम होता है तो उसके अलग अलग सजा होती है ना, सब पे तो एक सजा हो नहीं सकती। अब समस्या तो यही आ रही है, अगर मीडिया कुछ फेवर में लिखता है तो कहते गोदी मीडिया, अगर जजेज कुछ लिखते हैं न्यायपालिका तो कहते हैं कि सब उनके जेब में पड़े हुए हैं। समस्या इस बात की है कि हम चार स्तंभ है तो चारों स्तंभ में किसी को तो काम करने दोगे? अब अगर समस्या इस बात की है अनिल शुक्ला जी कि कौन इस बात को ओन करेगा। ठीक है, आपकी बात हम समझे। जगमती सांगवान जी कुछ कह रही हैं, पहले उनको जी देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, बताइए कि इसमें हाँ जी बोलिए हाँ मैं ये कह रही थी अभिषेक कि अनिल शुक्ला को शर्म आनी चाहिए कि वो कानून की दुहाई दे रहे पूरे देश के। चलिए, आवाज चली गई, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है जगमती जी, दोबारा हम आपसे संपर्क करने के लिए, हाँ बिल्कुल मैं उनसे लेके आऊंगा। आप, मैं अजय उमर जी आपके पास आ रहा हूँ। एक बड़ी पेचीदगी भरी बात हमें समझ में आ रही है, आम आदमी पार्टी के हालांकि जो नेता है संजय सिंह उन्होंने बयान दिया, लेकिन हम उनको इस मसले पर, आम आदमी पार्टी चूंकि गुजरात में है वो खुलकर इसे मसला क्यों नहीं बनाना चाहती है? जगमती जी मैं आपके पास लौटूंगा, आपकी ऑडियो कट हो गई थी तो अब मैं बिल्कुल ये मसला है वो हम आपसे सीधी बात करा देंगे अनिल शुक्ला जी। अजय जी, इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी बचती क्यों है? 2 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आए पैनल में खड़े बैठे और बात करें, ये तो गुजरात के लोगों को इंसाफ की बात भी है ना? हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल है अभिषेक जी, और कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले स्टैंड नहीं लिया। केजरीवाल जी और जगमती जी रुक जाइए, आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के गुजरात आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की काफी भर्त्सना करते हैं, लेकिन बिल्किस बानू केस में वो लोग मौन रहना मुनासिब मानते हैं, ये चीज समझ में नहीं आती है। मतलब जितनी बार पूछा गया आम आदमी पार्टी के नेताओं को, यहाँ गुजरात में स्थानिक पत्रकारों ने भी पूछा गया, तो वो चुप्पी साधते हैं या कंडी काट लेते हैं, लेकिन इस इश्यू पे नहीं बोलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो गुजरात में चुनाव आ रहा है, विधानसभा का चुनाव जो आ रहा है, उसमें मुझे लगता है कि कहीं वो अपने आप को मुस्लिम वोटर्स के साथ या मुस्लिम तुष्टिकरण का एलिगेशन उनके ऊपर ना लगे, इसलिए वो चुप रहना मुनासिब मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो स्टैंड लिया है और कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं वो बिल्किस बानो के प्रति सहानुभूति रखते हैं, अमी बहन और बाकी सब बहन जो हैं उन्होंने भी स्टैंड लिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी गुजरात में बिल्कुल स्टैंड नहीं ले रही है, ना ही किसी आम आदमी पार्टी के नेता वहां जाते हैं।
मैंने देखा है केजरीवाल पुलिस के पे ग्रेड के इश्यू हो, बस कंडक्टर के इश्यू हो, गुजरात सरकार के एम्प्लॉइज हो, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हो, उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन बिल्किस बानो इश्यू जो है उसमें आम आदमी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। और मुझे लगता है ये वोट बैंक की राजनीति है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी चुप रहना पसंद कर रही है। बिल्कुल, हम सांप्रदायिकता के चश्मे को एक इंसाफ के तकाजे में देखने लगे हैं। जगमती जी, जो बड़ा सवाल है कि देखिए, आपने बीजेपी की प्रतिक्रिया सुन ली, वो कह रहे हैं कि सब कानून के दायरे में हुआ है। हालांकि कैसे कानून के दायरे में हुआ है, ये तो एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर कोई आदमी पैरोल पर है, हजार हजार दिन की अगर पैरोल मिल रही है, उसके बारे में मैं अजय उमर से पूछूंगा, तो उसके दौरान कहीं कोई चूक हुई है क्या? क्योंकि ये तो कलेक्टर, एसपी, सारे लोग इसमें शामिल हैं, उन्होंने कैसे इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि दो एफआईआर हैं, यौन शोषण या छेड़खानी के इल्जाम भी है, धमकाने के इल्जाम है, फिर ये लोग इतनी बेशर्मी के साथ कैसे कोई आदमी को सपोर्ट कर सकते हैं जो बलात्कारी हैं, और वो पार्टी जो मृत्युदंड मांगती है। अभिषेक, ये कानून के साथ असल में खिलवाड़ किया गया है पूरा। और भी ज्यादा शर्मनाक बात ये है कि 15 अगस्त 75वीं सालगिरह हमारी आजादी की, अमृत महोत्सव जिसको कहा जा रहा है और वो है भी, उस दिन इन लोगों ने जिस तरह से ये पूरा षड्यंत्रकारी तरीके से इन सामूहिक बलात्कारियों को रिहा किया है, उसने देश के सामने महिलाओं के सुरक्षा के सवाल पे इनकी बिल्कुल पोल खोल के रख दी है। आप ये देखिए कि सीबीआई के जो सुप्रिंटेंडेंट है वो भी सीबीआई, बिल्कुल सीबीआई ने भी इसमें, उन्होंने भी वो छोड़ने के खिलाफ थे। अनिल शुक्ला जी, एक बड़ा सवाल है, वो आपकी पार्टी से ये है, बिल्कुल आपकी पार्टी से अनिल शुक्ला जी ये सवाल है, एक तरफ आप कहें कि मृत्युदंड हो जाना चाहिए, दूसरी तरफ आप हवाला देने लगे कि साहब अच्छा चाल चलन है। कौन सा अच्छा चाल चलन? पैरोल पे इतनी सारी छुट्टियां मिल रही हैं, वो लोग जब पैरोल पे बाहर हैं तो उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हो रही हैं, वो यौन उत्पीड़न कर रहे हैं या छेड़खानी कर रहे हैं, ये कौन सा चाल चलन? गुजरात में क्या ऐसे चाल चलन को बढ़ावा मिलता है क्या? देखिए, ऐसा है कि जब पैरोल होती है तो उसकी परिस्थितियां देखी जाती और उन परिस्थितियों के आधार पर अधिकारी उसको डिसाइड करते हैं। और दूसरी बात है कि जो रही जो रह गई बात, अरे बहन जी, जरा रूल किया जा रहा है। बहन जी, हमें जवाब दे देते, फिर आप बता, आपने तो हमको ठीक है, जगमती जी सुन लीजिए, सुन लेते ना, बीजेपी आप तो ऐसे बीजेपी के नेता को श्रम कह दिया तो हम तो सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा था कि उसकी परिस्थितियां होती है उसके हिसाब से तय किया जाता है। देखिए, ये तो सोच का मसला है, सोच का, इसीलिए भाई आप देखिए, दोनों तरफ आप सोचोगे ना, अब अगर एक ही तरफ आप सोचोगे तो दिक्कत है। अब रह गई बात उनको जो है रिलीज करने की बात, ये बलात्कारी है कि नहीं, मैं भाई जो कोर्ट का डिसीजन उसमें मैं कहां दखल दे रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो जो आईपीसी की धारा 55-57 कह रही है या सीआरपीसी की धारा 433 कह रही है कि अगर 14 साल से ऊपर की सजा वो काट चुके हैं तो उनको जो है सजा उनकी माफ की जा सकती है, ये तो अधिकार तो है ना, अधिकारी बलात्कारियों के लिए। नहीं, मुझे आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए अनिल शुक्ला जी, मुझे फिर आप ये बताइए कि फिर आप बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड की जो मांग करते हैं, सुषमा स्वराज जी बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड मांग रही थी, तो वो किस आधार पर मांग रही थी? अरे भाई, मृत्युदंड जो देखिए, ऐसा होता है कि उस समय जो भी परिस्थितियां होती है, बलात्कार अगर हुआ और जैसे जिस तरीके से वहां की क्या परिस्थिति रही, अब वो आप जो है दिल्ली वाले मामले में आपने देखा सबको फांसी की सजा हुई, तो वो परिस्थितियां क्या थी और यहाँ पे क्या परिस्थितियां थी, एक वो सब सारी चीजें देख करके। और फिर ये कुछ सरकार ने तो अपने तरफ से नहीं किया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि सरकार जो एक कमेटी बना के उस पर डिसाइड करे, तो दहोज के डीएम के नेतृत्व में कमेटी बनी। और एक मिनट सुन लीजिए, उस कमेटी ने दे हैव गिवन यूनानिमस डिसीजन कि दे शुड बी रिलीज, ठीक है, कार ट्रक में तब्दील हो जाती है जब कुछ लोगों को बचाने की प्रक्रिया होती है, और अगर जनता का दबाव और मीडिया का दबाव ना होता तो वो कार का ट्रक तो, बनी रहती, ये भी इस देश की न्याय व्यवस्था का एक सच है। अजय उमर जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, कांग्रेस मजबूरी है, चुनावी मजबूरी है
कि वो ऐसे लोगों को मंच पर बुला के उनका प्रोत्साहन करें, ऐसे लोगों को बचाने में पूरे सिस्टम की ताकत लगा दें और यहाँ नीचे से लेकर केंद्रीय मंत्रालय तक, केंद्र की सरकार तक इनको बचाने के लिए काम करें। क्या उनकी ये एक राजनीतिक मजबूरी है क्या? अभिषेक देखो, अगर राजनीतिक सपोर्ट नहीं होता तो ये जो क्रिमिनल्स हैं, इन क्रिमिनल्स को कभी ये रेमिशन की फैसिलिटी या रेमिशन की राहत जो थी वो कभी नहीं मिलने वाली थी। आप देखिए ऑन रिकॉर्ड एफआईआर ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि 998 डेज से लेके 1576 डेज तक इनको पैरोल और फरलो मिला है। और ये जो विटनेस को डराने धमकाने की बात है, उसके अलावा जो बेचारी महिला के साथ उत्पीड़न मोरे स्टेशन की बात हुई है, उसमें रंधिकपुर पुलिस स्टेशन में 354-504-506-114 ये सब जघन्य अपराध की कलम डाली गई है। और मैं आपको बता दूं कि दाहोद के और गोधरा के एक सीनियर सेशंस जज ने ऑब्जेक्शन लिया था जब ये कमेटी इस तरह का रिपोर्ट दे रही थी। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि स्थानिक स्तर पे इससे कम्युनल टेंशन बढ़ेगा। और दाहोद के पुलिस ऑफिसर ने भी कहा था कि ये एक जो क्रिमिनल है उसको बिल्कुल ये राहत नहीं मिलनी चाहिए, बावजूद उसके जो हम सब अभी तक गुजरात में यही मानते थे कि ये गोधरा में हुआ है, राहत मिली, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ है, लेकिन बाद में चला पता चला कि गुजरात सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको इमीडिएटली, और आप देखिए 28 जून को रिकमेंडेशन जाता है, 11 जुलाई को आ जाता है, बिल्कुल, और ये प्रोसेस कैसे हो सकता है? बिल्कुल, मसले जहां जहां उठेंगे वहां वहां हम सवाल उठाएंगे। मामला बिल्किस बानो का हो या भंवरी देवी का हो, कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल इससे बाहर नहीं निकल सकता। उन पर सवाल उठाए जाने चाहिए और हम सबको सवाल उठाने चाहिए, वो भले किसी वोट बैंक की आड़ लें, चाहे वो किसी और भी चीज की आड़ लेने की कोशिश करें। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे कि इस तरीके से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में फिर से क्यों हो रही है एक तल्ख बात। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एक बार फिर से विवादों में और सुर्खियों में हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अफसर के ऊपर ही कुछ इल्जाम जड़ दिए। और जानकारी के लिए हमारे साथी सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। सुनील, बताएं क्या इल्जाम है, किस पर लगाए हैं और क्यों लगाए? देखिये, समीर वानखेड़े जब यहाँ मुंबई के जोनल डायरेक्टर थे और इस एनसीबी के, तब कोडिया क्रूज केस हुआ था, उसमें आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी, बाद में जो मामला विवादों में आया। और कल ही जो जानकारी मिली कि उस मामले की जब जांच की गई थी, विजिलेंस की स्पेशल इंक्वायरी टीम जिसके की मुखिया थे ज्ञानेश्वर सिंह, उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है एनसीबी डीजी को, और उसमें कुछ इस तरह की बातें मिली हैं जिसमें की अनियमितताएं बरती गई हैं और तब के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाया गया है। आज अब जानकारी मिल रही है कि वानखेड़े, समीर वानखेड़े की तरफ से एक शिकायत की गई थी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास 2 महीने पहले। उसकी एक ऑर्डर आई है उस आयोग की, और ऑर्डर जो 17 तारीख की है, और ऑर्डर आयोग ने आदेश दिया है कि मेरे पास समीर वानखेड़े ने शिकायत की है ज्ञानेश्वर जो आईआईपीएस है उनके खिलाफ, और उन पर उत्पीड़न और भेदभाव का आरोप लगा है। समीर वानखेड़े खुद आयोग के अध्यक्ष से मिले थे और उन्होंने पूरी बातें रखी है। इससे आयोग को लगता है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और इसके लिए जब तक कार्रवाई या पूरी जांच पूरी नहीं होती तब तक समीर वानखेड़े के खिलाफ यानी जो कार्रवाई का जो भी रिकमेंडेशन है वो नहीं किया जाना चाहिए। और 15 दिन के भीतर उन्होंने मांगा है कि सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स है इंक्वायरी के उसके उन्हें दिया जाए, और 15 दिन के भीतर अगर जवाब नहीं मिला तो ये भी कहा गया है कि आयोग को भारतीय संविधान की धारा 338 के तहत अनुच्छेद के तहत अधिकार प्राप्त है सिविल कोर्ट का, तो वो समन भी इश्यू कर सकती है। यानी कुल मिलाकर जो मामला आर्यन खान के विवाद से उठा था और समीर वानखेड़े इसमें कहीं ना कहीं घिरते नजर आ रहे थे, अब जो मामला है अब वो भले ही समीर खान वानखेड़े अब एनसीबी में नहीं है, वो अपने ओरिजिनल कैडर डीआरआई में भेज दिए गए हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आई है और जिसको लेकर एक सवाल उठा था उनके ऊपर, अब उन्होंने सीधे सीधे एक तरह से ज्ञानेश्वर सिंह जो कि उस तब के जो डीडीजी हैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनसीबी के और उस विजिलेंस कमिश्नर के हेड थे, और उनकी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं संदेहास्पद पाया गया है, उन पर ही सवाल उठा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
और बात करते हैं जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार के रुख की और सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट एक कोलेजियम के तहत अपने उत्तराधिकारी या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इस पर सरकार की तरफ से एक बार फिर से सवाल खड़े किए गए। आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। तो क्यों हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार के तेवर फिर बदल गए हैं। पिछले कुछ सालों से चुप बैठे केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कोलेजियम सिस्टम पर जमकर हमला बोला। आज के समय में जो मैं देखता हूं और देश का कानून मंत्री होने के नाते मैं जो फील करता हूं कि आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। तो क्योंकि सिस्टम ऐसे बनाया कि वो नाम तय करते हैं एक समूह, एक कॉलेजियम, फिर उसका कंसल्टी जज होते हैं, दूसरे कौन उस हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे, कौन उस हाईकोर्ट के सीनियर जजेस है, कंसल्टेशन बहुत वाइड होते हैं। बात यहीं तक नहीं है, खुद सीजेआई यूयू ललित की मौजूदगी में एक वरिष्ठ वकील ने भी जजों की नियुक्ति के लिए चल रही अटकलों का जिक्र कर दिया। फुसफुसाहट है कि कोलेजियम सिर्फ केंद्र को स्वीकार्य नामों की ही नियुक्ति देगा। कोलेजियम जजों की नियुक्ति को लेकर ये लड़ाई कोई नई नहीं है। 2014 में मोदी सरकार इसके लिए एनजेएसी कानून लेकर आई थी, लेकिन एक साल बाद ही संविधान पीठ ने इसे असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। तब अदालत ने केंद्र को एक एमओपी लाने को कहा, लेकिन तभी से ये मामला अटका पड़ा है। केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच ये टकराव कोई नया नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है। यहाँ तक कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद कई नियुक्तियाँ और जजों के ट्रांसफर के केस केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं। हाल ही में हाईकोर्ट ने 3 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफर करने की सिफारिश मान ली, लेकिन उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर को मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश नहीं मानी। जस्टिस मुरलीधर ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान देर रात सुनवाई करके कई अहम आदेश दिए थे। दरअसल जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में मतभेद के बाद केंद्र सरकार का ये तेवर सामने आया है। 8 नवंबर को रिटायर हो रहे सीजेआई यूयू ललित ने 4 नामों को लेकर शेष 4 जजों को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन 2 जजों ने इस पर आपत्ति जाहिर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर ब्रेक लग गया। 9 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन केंद्र का ये रुख उनके लिए भी परेशानी भरा हो सकता है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से त्योहारों पर भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। त्योहारों पर कोरोना से बचने की जरूरत है। भीड़ भले ही बढ़ रही है, उसी के साथ साथ बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का एक और सब वेरिएंट, जिसके बारे में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये 3 राज्यों में अपनी पकड़ बढ़ा रहा है। खतरा टला नहीं है, कोरोना वायरस का नया रूप फिर देश में दाखिल हो चुका है, ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट। इनकी तादाद 5 से 6 है। इनमें BF.7, BQ.1, XBB, BA.2.75 शामिल हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में नए सब वेरिएंट की पुष्टि हुई है। दुनिया के कुछ देशों और चीन में इन वेरिएंट्स की वजह से मामले अचानक बढ़े हैं। नए सब वेरिएंट्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय चौकस है। यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इंसाकॉग, एंटागी और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि अब तक इन नए वेरिएंट से किसी को कोई गंभीर बीमारी की खबर नहीं है, लेकिन शुरुआत में कई बार वायरस का व्यवहार पता नहीं चलता, लिहाजा नजर इस बात पर है कि कहीं अस्पताल में दाखिले तो नहीं बढ़ रहे, आईसीयू केयर की जरूरत तो नहीं पड़ रही और मौत के आंकड़ों में कोई इजाफा तो नहीं।
ये खबर डराने के लिए नहीं बल्कि आपको खबरदार करने के लिए है। अगर टीके की तीसरी डोज आपने नहीं ली तो देरी ठीक नहीं, क्योंकि वायरस का आकार, प्रकार और व्यवहार कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और एक बेतरतीब तस्वीर जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। माता पिता को सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिला तो अपने नवजात का शव डिक्की में लेकर वो कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे, ये बताने के लिए कि किस तरीके की बेरुखी इस पूरे सिस्टम में है। दिनेश भारती बीजपुर के हैं, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आता है। पत्नी गर्भवती थी, सिंगरौली के अस्पताल पत्नी को डिलीवरी के लिए लाए थे। सरकारी अस्पताल ने निजी अस्पताल भेज दिया, वहां अल्ट्रासाउंड में पता लगा कि बच्चे की गर्भ में मौत हो गई है। फिर वहां से सरकारी अस्पताल भेजा गया, वहां शव वाहन मांगा, नहीं मिला तो बच्चे के शव को बाइक की डिक्की में लेकर कलेक्टर कार्यालय शिकायत करने पहुंचे। डॉक्टर को दिखाए तो सरिता में दम देखी, तो उनका जो आदमी है वो बोला कि ठीक है आप पैसा जमा कर दीजिए। बोले कितना? बोल रहे कि 5,000। बोले कि कहाँ का? बोल रहे कि नहीं पैसा लगता है। बोले कि 3,000 हमारे पास लीजिए। तो बोला कि नहीं, 3,000 नहीं, पूरा पैसा 5,000 चाहिए। तो हम गए, फिर 5,000 की व्यवस्था किए, तो 5,000 की व्यवस्था ले आकर दिए। तो शाम को आए भी नहीं, दूसरे डॉक्टर लोग जो है कि बच्चा पैदा किए, तो बाद में पता चला कि बच्चा इस बार। अभी बच्चा कहाँ है? बच्चा मेरे पास है, डिग्गी में लिया है, गाड़ी के डिग्गी में। क्यों वहाँ से कोई एम्बुलेंस वगैरह कोई सुविधा नहीं दिया गया बच्चे को ले आने के? कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं मिला। कलेक्टर नए हैं लेकिन जवाब वही पुराना, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। अभी हम जो हमारे SDM हैं उनको भेजेंगे और उसमें क्या वस्तुस्थिति है उसकी जांच कराएंगे। जांच कराने के उपरांत अगर इसमें लापरवाही पाई जाती है तो आगे उसमें कार्रवाई करेंगे। खैर, सिंगरौली सहित ये मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का शव है। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की मौत हो रही है, शव कभी कंधे पर, कभी ठेले में, तो कभी खाट पर जा रहा है। तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, हमारी भाषाओं के गौरव को प्रस्तापित करने के लिए और हमारी भाषा में ही टेक्निकल, मेडिकल और कानून की पढ़ाई हो, इस प्रकार। फिलहाल सुर्खियां चिकित्सा शिक्षा को हिंदी में पढ़ाए जाने पर हैं। आप सोच रहे होंगे हिंदी और शव वाहन की क्या तुलना। एक पिता जब अपने नवजात बच्चे का शव ढोता है तो दुनिया की हर भाषा में उसका एक ही मतलब होता है, बेइंतहा दर्द। सवाल प्राथमिकता का है। अगर करोड़ों का खर्च कर सिर्फ इस बात का आयोजन किया जा सकता है कि चिकित्सा शिक्षा में हिंदी में पढ़ाई कैसे हो, तो फिर हर जिला अस्पताल में कम से कम एक शव वाहन तो खरीदा ही जा सकता है। ज़रा सोचिएगा। सिंगरौली से अपने सहयोगी देवेंद्र पांडे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। वक्त एक ब्रेक आया, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे कि रील के चक्कर में कहीं भी कुछ भी करने के लिए कैसे आमादा हैं कुछ लोग। और बात करते हैं सैलानियों की, यानी टूरिस्टों की। उनके लिए अब अलग से एक टूरिस्ट पुलिस बनाने की योजना है। इसको लेकर केंद्र सरकार की कोशिश है अगले साल मार्च तक तमाम राज्यों में इसको लेकर तैनाती भी हो जाए। इसको लेकर एक खाका भी तैयार कर लिया गया है। हमने नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022 का भी देश के सामने, दुनिया के सामने लाया है। प्रॉपर कॉन्क्रीट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी अब तक भारत में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस साल आने वाले बजट सेशन के समय पे एक प्रॉपर कॉन्क्रीट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल टूरिज्म पॉलिसी आज भारत में हम लाएंगे। पर्यटक पुलिस को लेकर चिंतन मंथन, यहाँ हर राज्य की नुमाइंदगी है। विदेशी पर्यटकों के साथ व्यवहार को लेकर डराते आंकड़ों ने टूरिस्ट पुलिस की सोच को बल दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2018 में विदेशी पर्यटकों को लेकर 517 मामले सामने आए, हालांकि 2019 में ये घटकर 409 रह गए। इनमें 41% मामले चोरी के, 7% महिलाओं से छेड़छाड़ और 3% बलात्कार के थे।
विदेशी पर्यटकों को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें दिल्ली से आई, वहीं महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। इस प्रकार की घटनाओं से देश के छवि, इमेज, दृष्टिकोण ठीक नहीं रहता है। इसी प्रकार घटनाओं के ना होने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म हम सब मिलकर बनाना होगा। टूरिस्ट के लिए 24 घंटा 24 आवर सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेना होगी। सम्मेलन में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष का सुझाव भी पर्यटकों को लेकर आया। मेरी आग्रह की एक ऐप डेवलप करना चाहिए, जिस ऐप के अंदर जो भी पर्यटक यहाँ पर आए अगर वो ऐप डाउनलोड कर दे तो उसको दुनिया के अधिकतम भाषाओं के अंदर उन टूरिस्ट स्थलों की जानकारी और कोई भी घटना घटती है तो उसकी पुलिस हेल्पलाइन और सारी जानकारी एक ऐप के अंदर डेवलप हो जाए। अतुल्य भारत की बात हो या फिर अतिथि देवो भव की, पुरानी घटनाओं से सीख और नए सोच को साकार करने की दिशा में सरकार तत्पर है, ताकि किसी पर्यटक के साथ ना कोई ठगी छेड़छाड़ हो और ना ही देश की छवि खराब। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और शायद टूरिस्ट पुलिस की जरूरत उज्जैन के महाकाल में भी जरूरत महसूस की जाए, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु इस बात से खफा हैं कि मंदिर के अंदर जिस तरीके से एक वीडियो बनाया गया और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर मशहूर होना था। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, इसी मंदिर परिसर और गर्भगृह में इन दिनों कुछ वीडियो बनाए गए। सोशल मीडिया पर डले इन वीडियो रील पर रार मची है। कहीं बाबा महाकाल को जल अर्पित करने के दौरान लाखों मिले लेकिन कोई तुमसा न मिला, तो कहीं परिसर में युवती नगाड़े संग ढोल बाजे गाने पर नाचती दिख रही हैं। एक जगह मलंग मलंग गाने के साथ वो मंदिर की ओर मुंह कर हाथों को उठा रही हैं। तुरंत उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए जिससे मंदिर में अश्लीलता और इस तरीके की वीडियो बार बार वायरल न हो। साथ ही मंदिर प्रबंध समिति को सजग रहना चाहिए कि मंदिर इतने परिसर के अंदर ऐसी घटना हो जाती है और मंदिर समिति को संज्ञान में नहीं होती है, इसलिए मंदिर समिति का भी दायित्व। मेरा पहले तो उन बच्चियों से विनम्र प्रार्थना है, वीडियो बनाने के और भी स्थान हो सकते हैं, कुछ पवित्र स्थानों को छोड़ें। मैंने कलेक्टर एसपी को बोला है, महाकाल मंदिर का जो प्रशासन है उसकी ओर से अभी रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो वीडियो देखने में आ रहा है वो 6 माह से ज्यादा पुराना प्रतीत हो रहा है, इसलिए पुलिस को जांच का बोला है। इस मामले में जो एक महिला है जिनका इंस्टाग्राम पोस्ट, जिनके इंस्टाग्राम हैंडल से ये वीडियो पोस्ट किया गया है, शालिनी वर्मा, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई हैं और उन तक संपर्क हो गया। हालांकि उनका कहना है कि ये लगभग 1 साल पुरानी बात है, उन्होंने गर्भगृह में पूजा जरूर की थी लेकिन ना तो उन्होंने कोई रील बनाया और न ही उस पर कोई गाना डाला है। मैंने इस प्रकार का कोई भी फिल्मी गीत उस जल चढ़ाती हुई वीडियो पर नहीं लगाया है। यह जिस भी अकाउंट से वायरल हुआ है वह एक शिवांगी नाम का अकाउंट है, उसने उस वीडियो पर फिल्मी गीत लगाकर उसको वायरल किया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है एक बार उस वीडियो की पूरी जांच पड़ताल कर ले कि उस पे किस प्रकार का गीत लगाया गया है, उसके बाद ही उस प्रकार की वीडियो को वायरल करें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की लागत से उज्जैन महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण किया। वहाँ कई कर्मचारी पुलिसकर्मी मंदिर की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, ऐसे में मामला आस्था के अलावा सुरक्षा से भी जुड़ा है। उज्जैन से अजय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।